हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज सिंह के यूट्यूब चैनल पर। क्लासेस चल रही थी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए, चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बारे में बताया था, ठीक है। किसी भी मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक पार्टिकल की और एक वेव की। तो इलेक्ट्रॉन दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कि उसके अंदर पार्टिकल का भी नेचर होता था और वेव का नेचर भी होता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल की। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती थी? उसके अंदर मास होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर मोमेंटम होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज होती थी पार्टिकल की, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब उसके ऊपर मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा जिसे स्मॉल एम से शो करेंगे, उसके अंदर होगा मोमेंटम, मोमेंटम होगा यानी कि पी से शो करेंगे, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। यहां पे पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यू क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। जिस गति से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी है। और क्या होगा, चार्ज। जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक पार्टिकल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये प्रक्रिया अब देखिए साबित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक पार्टिकल है। एक स्क्रीन बनाएंगे यहां पर जो बनती है जिंक सल्फाइड की, ZnS, यस। स्क्रीन किसकी है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर जब किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे या गिराएंगे, देखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक। जैसे ही इस स्क्रीन पर स्ट्राइक होगा इलेक्ट्रॉन या टच करेगा, तो एक स्पॉट बनेगा, लाइट ऑफ स्पॉट ऑफ लाइट, लाइट का धब्बा बनेगा, स्पॉट बनेगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया जाएगा तब स्पॉट ऑफ लाइट बनेगा, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा सिंटिलेशन, ठीक है। और यह चीज देखा गया है कि ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन केवल एक स्पॉट बनाएगा लाइट का, केवल एक ही धब्बा बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक धब्बा बनाएगा, एक स्पॉट बनाएगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, तब इलेक्ट्रॉन का धब्बा बना स्पॉट ऑफ लाइट, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसकी लोकेशन क्या थी, स्पेसिफिक थी, एक वेव की तरह स्प्रेड आउट, यानी कि बाहर नहीं निकलेगा, वेव की तरह निकलता तो ऐसे निकलता, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाया जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया इनफ थी पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए, ठीक है ना। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए।